दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज बना रहे हैं हम आलू मटर और गाजर की सब्जी। देखिए दोस्तों, मैंने ये गाजर काट के धुल के रख दिए हैं और आलू भी काट कूट के मैंने पानी में रख दिए हैं कि ये काले ना पड़े। और मटर भी धो धा के बढ़िया से रख दिए है कटोरी में। और ये मेरी अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर, अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर एक जगह मैं पीस दूंगी मिक्सी में, और प्याज मैं कट कर दूंगी दोस्तों। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम सब्जी बनाना। मैं ये पीस देती हूँ टमाटर और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को पीस के फिर बताती हूँ आपको, और प्याज कट करके। ठीक है दोस्तों, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल हो रहा है गरम, सरसों का तेल है। और ये मैंने मसाले निकाल दिए हैं, और ये हमारा अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बन के हो गया तैयार। अब जैसे दोस्तों तेल गरम होगा तो हम डालेंगे जीरा, उसके बाद डालेंगे हम प्याज। ठीक है दोस्तों, अभी तेल हमारा थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा। दोस्तों तेल हो गया हमारा गर्म, अब डालेंगे इसमें जीरा, प्याज डाल दिया हमने इसमें प्याज दोस्तों। प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। प्याज भून जाएगा जब, फिर आपको दिखाते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए दोस्तों, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया था। मैं अदरक और लहसुन तो हरी मिर्च और टमाटर ये दोस्तों अच्छे से भून जाएगा, अच्छे से भून जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों टमाटर अदरक लहसुन बढ़िया से पक गए हैं, और हरी मिर्च अब डाल देते हैं मटर। अभी हमने कुछ भी मसाला नहीं डाला, थोड़ा सा ये गोभी अच्छे तरह इसमें भून दूंगी मटर को भी दोस्तों, फिर डालेंगे बाद में मसाला। दोस्तों मटर हमारी थोड़ा सा मटर भी पक रही है, अभी पूरा नहीं बना। अब डाल देते हैं इसमें गाजर। गाजर को भी अच्छी तरह दोस्तों हम थोड़ा भून लेंगे, और उसके बाद डालेंगे हम अभी आलू। और दोस्तों ये हमारे जाएंगे आलू। अब इसमें रख देंगे हम ढक्कन, जितना हमारी सब्जी दोस्तों पानी छोड़ेगी इसी में मटर गाजर सब बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये एक भाप ले ले, उसके बाद मैं डालूंगी मसाले। ये है मेरे आलू मटर, अभी इसमें कुछ नहीं डाला दोस्तों, मतलब वो मसाले नमक भी नहीं डाला। अब डालूंगी मैं इसमें नमक, और उसके बाद छोड़ दूंगी मैं इसको दोस्तों एक दो मिनट, और इसमें नमक डाल दूंगी। अब ये जितना पानी छोड़ेगा दोस्तों मेरी सब्जी इसमें बन जाएगी, फिर थोड़ी देर में
एक आध मिनट में मैं इसको खोल के आपको दिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये देखिए सब्जी ने इतना पानी छोड़ दिया। अब थोड़ा यह खुश्क होगी तो मैं इसमें मसाले डालूंगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है साग कल का, इसको भी गर्म करके खाएंगे। अब ये खुश्क होगा फिर उसके बाद में मसाले डालूंगी। दोस्तों हमारी सब्जी बन गई है, भाप में भी पक गई है। और ये देखिए दोस्तों, अब डालेंगे हम इसमें हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ठीक है दोस्तों, इसको हम करेंगे मिक्स। एक मिनट इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार, टेस्टी टेस्टी। ऐसे ही बनाइए दोस्तों और ऐसे ही खाना, बहुत टेस्टी लगती है बना के, ऐसे बनाने में स्वाद लगती है दोस्तों। अपने ही पसीने में भाप में पानी में पक जाती है ना। अब इसको एक मिनट और थोड़ा सा भाप देंगे, उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया और मेथी कट करके। ये है हमारा हरा धनिया, ये है हमारे मेथी के पत्ते, हम दोनों कट करके लास्ट में इसको डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इसको पकाते हैं एक मिनट, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए हमारी सब्जी बनके हो गई तैयार, सूखी सब्जी आलू मटर और गाजर की, टेस्टी टेस्टी सब्जी। और इसमें डालेंगे हम, देखो दोस्तों ये है हमारा मेथी पत्ता, मेथी के पत्ते हैं और धनिया के पत्ते हैं दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको दिखाए थे मेथी और धनिया के पत्ते मैंने कट कर दिए हैं। और दोस्तों अब इसमें डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्टी स्वाद आता है। मेथी के पत्ते भी डाल के और धनिया के पत्ते दोनों मिक्स करके दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है। अब गैस कर देंगे हम बंद, सिम थी, अब बस ढक्कन रख देंगे दोस्तों। गैस जबरदस्त खुशबूदार सब्जी बनके हो गई दोस्तों तैयार। और नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टाटा मेरी यूट्यूब फैमिली।